सेक को लिख दिया 1/sin, कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन, एलसीएम ले लिया ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जब भी सॉल्व करना इधर लिखना है, इतनी दूर विजिबल नहीं होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन, जाओ अश्विन। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए क्या होता है? साइन स्क्वेयर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए कैसे आया है? क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, और कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वेयर थीटा। एक कैंसिल हो गया, साइन आ गया आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में साइन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सेक और टैन को ब्रेकअप करना है। ठीक है, आ जाओ प्रभुल। बच्चे थोड़ा सा सेंटर में करो, नजर नहीं आ रहा, रब करके सेंटर में शुरू करो, यहाँ करो, इधर इधर लिखो, ऐसे नजर ही नहीं आ रहा, फायदा क्या इसका? क्या लिखा है वो? इसको सेक को क्या लिखा है आपने? कॉस है वो, तो थोड़ा बड़ा लिखो। ये देखो यहाँ पे विजिबल नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा लिखो। खुशी नेक्स्ट बताओ कैसे करेंगे। नेक्स्ट टर्न है आपकी। इधर एलसीएम लेने के बाद वन आएगा, ऊपर क्या आना है? कॉस आना है। अच्छे से रखो। हाँ, साइन ए जो आर्या भट्ट गणित चैलेंज है उसमें सबने कर लिया पार्टिसिपेट? नहीं किया? आज कर लेना, मैंने लिस्ट देनी है आज। दोबारा नहीं हो रहा तो सर्टिफिकेट नहीं आया आपने? आज कर लेना घर जाके। आप कर लिया आपने छियांक? आपने खुशी सहज कर लेना आज, आज लास्ट डे है, करके मुझे सर्टिफिकेट सेंड कर दो। गरिमा आपने, अर्शीन ठीक है, लिस्ट फॉर्म कर देना आज। नहीं बच्चे क्या कर रहे हो? आपने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा जो मैंने समझाया था? अभी इसने किया है, छियांक ने सॉल्व किया है। ये क्या है? ए प्लस बी क्या होता है? तो ये क्या कर रहे हो? रब करो इससे, आएगा इससे भी वही, लेकिन टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है। सीधा लगाओ फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे बच्चों को तरह लिख क्यों रहे हो? क्या आएगा? 1 माइनस, हाँ, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है? कॉस स्क्वेयर ए। सीधा लिख दो कॉस स्क्वेयर ए। हाँ, इसके आगे लिख दो कॉस स्क्वेयर ए अपॉन, चलो लिखो। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, जिसने स्टार्ट किया होगा ना उसको देखते ही पता लग गया होगा उसका आंसर साइन था तो इसका कॉस है बस। ठीक है, आ जाओ खुशी। ये सारा रब कर दो ऊपर से और थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करो।
इजी है ये थर्ड क्वेश्चन, देखो इधर कैसे करेंगे। हाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, एक में टेन आएगा, अगर दूसरे में टेन ही आएगा, लेकिन टेन को सेक में चेंज कर सकते हैं आइडेंटिटी लगा के, टेन और सेक में आंसर ले आना, दोनों को कंपैरिजन कर देना, कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ द लाइक टर्म। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर से स्टार्ट करो, थोड़ा सा ऊपर, हाँ यहाँ से, हाँ बस है, एक मिनट, इसका आंसर ए का क्या आ रहा है, आंसर ए क्या आ रहा है, फाइव, बी बी टू, हाँ ठीक है, ए बी ठीक है, ए बी फाइन करो, ठीक मल्टीप्लाई करो किसमें, एक्चुअली पूछा नहीं है लेकिन सॉल्व कैसे करोगे, आपको इसको इसके साथ इक्वल करना है, इक्वल तो तब करोगे ना जब दोनों सेम टर्म्स होंगी, कोई चीज इक्वल है, इक्वल मतलब इक्वल होनी भी तो चाहिए, तो इसको इसके जैसा बनाओगे, इसको तो बना, इसको भी बना सकते हो, इसको लिख लो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इसको कर दो या इसको कर दो, एक ही बात है, आंसर तो सेम ही आएगा, इसको लिख दो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इधर भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, कंपेयरिंग द लाइक टर्म, टेन का कोफिशियंट टेन के साथ, टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर के साथ, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट के साथ, कॉन्स्टेंट चाहिए नहीं, हो सकता है सीधा भी आ जाए, ऐसे करके देख लो, इसको सॉल्व करके वो ले आओ या इसको सॉल्व करके ये ले आओ, आपकी मर्जी है, उसमें फैक्टर नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, ए बी अननोन है, लेकिन इसके तो कर सकते हो ना मल्टीप्लाई, इसलिए इसको कहा था, आप उसको कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो इधर, इसने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया, अब एक मिनट ध्यान से सुनो, टेन स्क्वेयर आ रहा है मल्टीप्लाई करके, लेकिन आपको टेन स्क्वेयर तो चाहिए नहीं, आपको टेन चाहिए और क्या चाहिए, सेक, तो टेन स्क्वेयर को आप लिख सकते हो, क्या होता है वन प्लस होता है, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस, लिख दो इसकी जगह टू को सेम लिख के सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन, ब्रैकेट ओपन कर दो, और चेंज करो, माइनस टू आएगा, और लास्ट में फोर कैसे हो गया, अच्छा ठीक है कटिंग करो, ए आ गया फाइव, बी आ गया टू, और ए बी कितना आ जाएगा टेन, क्लियर है, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको मल्टी, इसको तो देखो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और इसको चाहो तो इसको टेन में कर लो, उसका सेक में किया मत करो, इसको टेन में चेंज कर लो, कंपैरिजन फिर भी करना पड़ेगा और सॉल्व तो फिर भी करना पड़ेगा, यहाँ एक साइड को सॉल्व किया अगर उधर करेंगे तो दोनों का करना पड़ेगा, ठीक है, तो जैसे मर्जी कर सकते हो आप, नेक्स्ट करो, ये भी बहुत इजी है, देखने में ऐसा लग रहा है नहीं, एक स्टेप है सिर्फ, आ जाओ केशव इधर आओ, रब करो, क्या वो नहीं आया, के टैन थीटा,
करो स्टार्ट, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, लिखो इधर सेंटर में आओ, और सेंटर है बोर्ड के सेंटर में स्टार्ट करो, और इधर से, हाँ जी करो, थोड़ा सा नीचे से लिखो, बोर्ड नजर ही नहीं आ रही है, देखो रिवीजन के नीचे से स्टार्ट करो। नो डिस्कशन, थीटा है, सेक्स स्क्वायर थीटा, रूट में लिखो इसे, सेक्स स्क्वायर थीटा से रूट में लिखो, सारा रूट में है, इसे सॉल्व करो, करो सॉल्व। हो गया, इनको यकीन ही नहीं होता कि हो गया। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है साकेत में, साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर हाँ और क्या लिखोगे, बोल भी रहे हो, नहीं कुछ और हो सकता बच्चे, यही होता है स्क्वायर है ना, तो आइडेंटिटी लगेगी, रूट में लिखो, रूट में स्टार्ट करो। नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ करो, अब ये बताने नहीं है, जो हिंट देने थे वो दे दिए, वैसे ही टाइप के हैं अपने आप करो। अब आंसर क्या लाना है, किसके इक्वल है, इसको टेन बनाओ, बनाओ जिसको बना सकते हो, किसको चेंज कर सकते हैं, साइन चेंज होता है, साइन नहीं होएगा, तो सेक चेंज होगा, सेक क्या होता है, तुम क्यों बोल रहे हो तुम, हाँ तो वही लिखो, वन बाय कॉस साकेत साइन स्क्वेयर थीटा इंटू वन बाय कॉस स्क्वेयर थीटा, क्या होगा ये, साइन स्क्वेयर थीटा सेम है, सेक को इसने वन बाय कॉस लिख दिया, अब बन गया साइन स्क्वेयर थीटा इंटू वन बाय कॉस स्क्वेयर थीटा, ये क्या है, क्या होता है, लिखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है, और उठ के इधर आओ, आगे बैठो, हाँ निकालो रूट से बाहर इसे, हाँ इक्वल टू, ठीक है, के कितना आएगा फिर, कि राइटिंग को इतनी स्क्वीज कैसे हो गई है ऊपर से आते आते, के कितना हो गया, ये देखो यहाँ पे तो गायब ही हो गए वर्ड्स, के वन हो गया, चलो जाओ, हो ही गया, चलो हाँ आ जाओ जोश स्वरूप, शर्मा क्यों रहा, इधर आओ इधर, आंसर क्या है, मैं क्यों बताऊंगा, बता नहीं बताना, हाँ टू है आंसर, आया नहीं मतलब, तुम्हें यकीन नहीं होता आ गया, तभी तो आंसर नहीं बताते, नहीं ऑप्शन नहीं देनी, ऑप्शन के बिना ही तो श्योरिटी होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा आ गया, हाँ इक्वल है, सारे इक्वल वाले ही दे रहे हैं वैल्यूज फाइंड करने वाले, नहीं आना, चला रहा हूं, आएगा कोई बात नहीं, छोड़ना नहीं, कल सबकी टर्न आई थी, थोड़ा और इधर से, इधर से क्या लिख रहे हैं, क्या बड़ा बड़ा, चल ये अपनी क्लास बंद करोगे, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, चैप्टर हो गया अब आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस खुद करोगे तो ही आएगा, दूसरों से पूछ के कर लोगे ना, नेक्स्ट टाइम गारंटी है, दोबारा जब ये क्वेश्चन आएगा स्टार्ट करना ही नहीं आएगा, इसलिए जैसे मर्जी करो अपने आप करो, रॉन्ग ही होगा ना, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा उससे ज्यादा, एक बार रॉन्ग हो जाएगा, दो बार, तीन बार, उससे ज्यादा कुछ हो थोड़ी जाएगा, अपने आप करो, मैं आपको क्या कह रही हूँ, यहाँ करोगे तो वहां जाके सॉल्व होंगे, यहाँ पूछते रहोगे तो वहां कभी सॉल्व नहीं होगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ही आएगा, तभी ये करवा रहे हैं, मुझे पता था,
इसमें टाइम लगता है, ऐसे नहीं आ जाता। ये कितना गंद डाला है तुमने, ये क्या है, थोड़ा नीटली लिखो क्या है ये। चलो K2 आ गया, कल तो ठीक लिखा था, कल था, आज क्या है। एक मिनट रुको, अर्शीन को बुला कर आना, बोलना बहुत ब्लर आ रही है वीडियो है। एक मिनट, क्या साइन। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन, नोटबुक छोड़ के आओ वहां पे, बंद करो इसे, कोई बात नहीं आओ तो सही। A³ - B³ का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है, कर दो सारा, ये भी करो स्टार्ट, सेंटर से, सेंटर से जहां इसने 5 लिखा वहां से स्टार्ट करो, रिवीजन के यहां से। हाँ बिल्कुल, मैंने कल भी बोला था साइन थीटा लगाओ उसके साथ। हाँ जी चलो इसको सॉल्व, बस बस इसको सॉल्व कर दो, पहले सॉल्व कर दो, ये कैसे। A³ - B³ का फॉर्मूला लगाओ, A - B, A² + B, सीधा लिख दो बच्चे, इतना टाइम थोड़ी है। A - B, हाँ -B, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में A² + B² + AB, A² ना, स्क्वेयर यहाँ नहीं आता, टेन स्क्वेयर थीटा। हाँ जो आपने लिखा था ना वो थीटा का स्क्वेयर था, एंगल का स्क्वेयर था, वो नहीं करना। क्या लिखो, A² + B² + AB, आवाज बंद करो, है +AB, A × B, tan थीटा × 1, हटा दो 1 हटा दो बस, ठीक। क्या लिख रहे हो, 1 + tan² θ sec² θ होता है, 1 + tan² θ, हाँ और tan सेम आ जाएगा। अब इसके साथ कंपैरिजन करना है किसका, इसका लिखो, लिखो यहाँ लिखो और करो कंपैरिजन, A फाइंड करो, B फाइंड करो, A + B पूछा, पहले A फाइंड करो फिर B। हाँ A कितना आएगा, अच्छा बेटा कैंसिल नहीं करते ऐसी है, देखो आंसर देखो क्या आ रहा है, जब भी प्लस में होता है तो कभी कैंसिल नहीं होता, हम कंपेयर कर रहे हैं लाइक टर्म को, तो ए कितना आएगा, बी, ए प्लस बी कितना आएगा, 2। चलो जाओ, हाँ जिसकी टर्न नहीं आई है अपने आप आ जाओ बोर्ड पे, चलो नहीं आई टर्न, सेवेंथ करो, सेवेंथ क्वेश्चन रहता है, अरे सेवन में स्क्वेयर कहां से आ गया, अच्छा पहले ही कर लिया, कर
ये देखो इधर, यहाँ साइन दे रखा है, कॉस दे रखा है, आपको साइन और कॉस का प्रोडक्ट चाहिए। आप छोटी क्लासेस में इक्वेशन करके आए हो, ए माइनस बी दिया होता है, ए बी निकालना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं क्योंकि तो फॉर्मूले में 2ab आता है, तो आपको ए बी चाहिए होता है ना, तो इसलिए आप ए बी को वहां से फाइंड कर लेते हो बाई यूजिंग आइडेंटिटी, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एक्चुअली साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर 1 है, तो वो डायरेक्टली 1 हो गया, साइन कॉस की वैल्यू आ, ठीक है। वो नेगेटिव कहां से आया है? आपने स्टेप स्किप किया ना? हाँ नहीं, वैसे मैं इनसे पूछ रही हूँ, आपने तो कर दिया, इनसे पूछ रही है 9/25 था, वो 16/25 कैसे हो गया? हाँ, जो प्लस 1 था वो उधर जाके माइनस हो गया, और एलसीएम लेके -16/25 आ गया, माइनस कैंसिल हो गया, 8/25 आ, ठीक है। ये करो ए रेज टू पावर, इसको ना आप साइन कॉस की जगह वेरिएबल के साथ कंपेयर किया करो, ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन करके आए हो आप लास्ट क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी एक के साथ सॉल्व हो जाएगा, इजी है, करो। हाँ करो, फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर बाहर ही लेके जाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एट का 1 ही आएगा, सॉल्व करो, कैसे क्या लिखो, स्टार्ट तो करो, आपको समझ आ रही है? हैं? ये नहीं आया, मैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल रही हूँ, आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये सेम है, ये क्या होता है? 1 होता है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1, आंसर आ गया 1, क्लियर। ये तो इजी था, वो करो नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, ये निकालना है, क्या करेंगे है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स पुट कर दो, एक्स हाँ सीधा पुट कर दो, स्क्वेयर करके पुट कर दो या सीधा सीधा पुट करके बाद में स्क्वेयर कर दो, एक ही बात है, करो अर्शीन आ जाओ, करो ये क्वेश्चन, मास्टर वहां पे है, ये मेरे को सुधर से बोला।